ठीक है चलो, जब भी हम लोग मॉडल को लेके जाते हैं जीवीएस में, तो जीवीएस में लेके जाने से पहले पहले मेरा काम क्या होता है, सबसे पहले काम आपको पहले मॉडल में ही पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग और कहीं चलते हैं कि भाई मॉडल के बाद हम लोग अनरैपिंग टैक्सी में क्या काम करते हैं। आप मॉडल में गए, काम किया एक बार, ठीक है चलो। ये देखो आपको मैं थोड़ा सा स्टूडियो का टेस्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपको यूवीज के बारे में भी बताते हैं, ठीक है, मॉडलिंग के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। स्टूडियो में अगर आप किसी भी स्टूडियो में जा रहे हो तो स्टूडियो का क्या पार्ट होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है। अभी इन चीज़ों में क्या देखो, मैं आपको अलग अलग टेस्ट का आइडिया देता हूँ। यहाँ पर टेस्ट है मेरे पास, टेस्ट अच्छे 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 खासे टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट में देखो आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी दिखाता हूँ। TCS का टेस्ट है, ठीक है। TCS देखो, ये मॉडलिंग का टेस्ट है, मॉडलिंग एंड स्कल्पिंग आप करके देखो तो आपके पास क्या काम करना है, ठीक है। इसके अंदर चीज़ें क्या है, लाइक आपको यहाँ पे पहले मेंशन किया जाता है क्या, बिल्ड हाई पॉली मॉडल इन माया सॉफ्टवेयर। हाई पॉली मॉडल आपको माया में बनाना है, तो हाई पॉली में आपको अगर बना रहे हो तो आपका हाई पॉली में इससे ज़्यादा डिटेल जाननी चाहिए। सबसे मेन पार्ट आपने इसमें काम किया है, बेसिक बेसिक आपने काम किया है, ठीक है। इसमें डिटेलिंग में और क्या हो सकता है वो भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो ना, आप यहाँ देखो, यहाँ पे सिंपल आपको थ्री प्रेस करके दिखाता हूँ, ऐसा आ रहा है। जब आपका हाई पॉली मॉडल बनता है तो हाई पॉली में आप यहाँ पे अगर यूवी निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे इक्वल सेगमेंट्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे यहाँ पे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट्स ही नहीं है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। इसको अगर आप सपोर्टिंग इस प्रॉपर नहीं दोगे तो बहुत बढ़िया नहीं निकल के आने वाला है। बात समझने वाली बात है क्या? अब देखो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ओनली द हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल टू बी स्कल्प्टेड इन जीवीएस, सिर्फ हाई डिटेल चीज़ों को ही जीवीएस में स्कल्प करना है, सब चीज़ के लिए नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें चीज़ें क्या है कि भाई आपको जो दे रखा है ये स्टूडियो का टेस्ट है। अब भाई स्टूडियो का टेस्ट है तो स्टूडियो के टेस्ट में क्या होता है, कैसे किस टाइप से काम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, द मॉडल शुड बी मैच्ड वेरी क्लोजली, ठीक है, टू द रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन वॉल्यूम थिकनेस, ठीक है, एंड एग्जैक्ट डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को कैसे रखना है, ठीक है, यहाँ पे देखा है, बेस्ड ऑन मटेरियल स्प्लिट द मैस एंड ज्योमेट्री। जैसे हम लोग सब सब्सटेंस में लेके जाते हैं तो हम लोग मटेरियल प्रॉपर अलग अलग डालते हैं ताकि वो एक आईडी बन के आया। तो उसमें ये भी चीज़ मैनेज कर रखा है कि भाई आपको मटेरियल स्प्लिट करके देखना है कि भाई कि किस टाइप से काम करना है, मैच कैमरा विद रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छे वर्ड में यहाँ पे दे रखा है, मॉडल ऑल द फॉर्म्स विद नीट क्वाड टोपोलॉजी इन माया। अभी मेन पहले कई लोगों को पता नहीं था टोपोलॉजी होता है क्या, ठीक है। तो पहले वो समझा दूँ आपको, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी बोलते से, ठीक है, कि आपने टोपोलॉजी में किस टाइप सब चीज़ों को मैनेज कर रखा है, फिर उसका काम कैसा होना चाहिए, ठीक है। टोपोलॉजी में अगर देखें तो यहाँ पर नीट इन क्वाड, अब क्वाड किसे बोलते हैं, क्वाड को समझो, दिस इज कॉल्ड क्वाड, ये आपका क्वाड है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ, मेरे पास क्वाड है, क्वाड के अंदर मैं मल्टी कट में गया, ये मैंने कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जब चीज़ों को आप मैनेज करोगे आप यहाँ पे। इसके बाद आपको क्लीनअप समझाते हैं, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट क्या किया, सिलेक्ट करेगा शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पे मैंने क्या लिया, क्लीनअप। अभी क्लीनअप है, क्लीनअप में आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, यहाँ देखो एडिट पे गए, रीसेट। क्लीनअप बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप नहीं समझोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। कोई भी मॉडल आपको जीवीएस में लेके जाना, तो जीवीएस में लेके जाने से पहला, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम, मॉडल कंप्लीट हो गया तो आपको क्लीनअप पे आपको टच करना पड़ेगा। कल अगर आप स्टूडियो में जाते हो, स्टूडियो में जाते हो, वो लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि बंदे ने मॉडल कैसे किया, मॉडल सेलेक्ट करें, क्लीनअप पे जाएंगे, फोर्स एडिट किया यहाँ पे, सिलेक्ट दिस वन एंड अप्लाई एंड अप, फोर प्रेस करके सब दिख जाएगा यहाँ पे कहाँ गलती है। फाइव में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ ट्राइंगल उसने एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ दिख रहा है। तो ये ऐसे करके आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बनाओ, कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाओ, कहीं अंदर से अंदर छिपा के रखोगे ना तो भी फोर प्रेस करने पे दिख ही जाना है, दिख रहा है यहाँ पे। ऑल भी देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में चेंज किया मैंने, यहाँ पे अलग से कलर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बता देगा भाई देखो आपको यहाँ पे भी दिक्कत दिख रहा है, फोर एंड फाइव इनको यही पार्ट है। अभी इन चीज़ को थोड़ा समझो कि भाई ये चीज़ें होती क्या है। अभी आपने यहाँ पे दे दोगे ये क्या है, क्वाड नहीं है, ठीक है। इसका दूसरा देखकर समझाता हूँ। अभी हमने क्या किया, फोर्स एडिट होना चाहिए, आपके टेस्ट में दे रखा है क्वाड टोपोलॉजी, ठीक है। अगर आपने नहीं कर रखा तो आप ऑलरेडी रिजेक्टेड हो, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की, हाई डिटेल मेहनत कर दी, अपने जीवस में लेके गए, बेकिंग वेकिंग करके सबको डिटेल ला के रख दिया, लेकिन जहां आपने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो वो आपको पहले रिजेक्ट कर देगा। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एच फ्लो, एच फ्लो होना चाहिए। अभी एच फ्लो होता है क्या दिखाता हूँ, ये भी समझाता हूँ। मॉडल किया आपने, मॉडल अच्छा किया, लेकिन मॉडल के अंदर फ्लो तो दो, दिस इज गुड, लेकिन यहाँ फ्लो कहाँ जा रहा है, ये देखो अगर देखोगे ना यहाँ पे फ्लो सही नहीं जा रहा है। यहाँ पे कई ऐसे, मैं बताऊँ कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो नए नए क्या होते हैं, नए नए यूट्यूबर बनते हैं या पुराने भी हैं, कई लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते क्या,
इसी चीज़ों के लिए मैंने एक दो चीज़ और बताया, मैंने एक क्या नाम है, एक नाइफ भी बना के दिया। कई लोगों ने, कई यूट्यूब चैनल से उन्होंने नाइफ का ट्यूटोरियल देखा और बना के लेके आ गए, और सबका सबका नाइफ गलत। अब उनको क्या लगता है जो यूट्यूब पे है वो सब सही बता रहे हैं। लिटरली यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझो, क्या नहीं समझोगे तो बहुत ही आगे जाएंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने सिर्फ उनके वजह से बनाया, ये नाइफ दिखा रहे ना, यहाँ पे फ्लो आपका ऐसा होना चाहिए। आप कहीं मॉडल दिखा रहे हो, यहाँ पे आपको देखिए, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे फ्लो आपको यहाँ पे देखिए कि भाई फ्लो कैसा होता है, ठीक है, नीट एंड क्लीन। अगर आप पहले स्टूडियो में आए तो आपको यहाँ पे देखिए कि भाई लो मैस कैसा है, हाई मैस कैसा है, तो आपको फ्लो का आइडिया मिलेगा। अगर आप इन फ्लो को समझोगे नहीं तो आप गलती, अगर डायरेक्शन में जाओ तो गलती होना है। आप यहीं पे देख रहे हैं, कई लोगों ने नाइफ ऐसा बना रखा है उनका आगे की धार ही नहीं आ रही है, धार दिख रहे हैं यहाँ पर, शार्पनेस आई नहीं रही, और वो लोग लगे पड़े। मेरे तीन चार स्टूडेंट ने कहीं इधर उधर से यूट्यूब से देखा, वही नाइफ बना के लाए। मैंने कहा कम से कम फ्लो तो ठीक कर, सपोर्टिंग एज दिया तो सपोर्टिंग एज में देखो, यहाँ पर आप लोगों को इसलिए चीज़ बता दो, कोई हाई पर लो, लो पर लेगा। इसको मुझे बनाने में, मॉडिफाई करने में 27 मिनट लगे कि भाई ये मॉडल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका देखो, इसका फ्लो दिख रहा है, लो पॉली फ्लो देखो, लो पॉली फ्लो में कैसा है, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो लो पॉली मैस कैसा है। तो ये फ्लो होना चाहिए, क्या आपका मैस है तो मैस का फ्लो आपका नीट एंड क्लीन। प्रोडक्शन में जा रहे हो तो प्रोडक्शन में आपका फ्लो स्टेप से रहना चाहिए, गेमिंग में वो उससे कम होगा लेकिन फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो तुमने यहाँ पे काम किया, स्टार्टिंग में काम किया, अच्छा काम है, लेकिन अगर आप भी तो देखो तो थोड़ा सा ऑड लगेगा। देखो दिस इज गुड, ये बहुत बढ़िया आ रहा है, ये भी बहुत बढ़िया आ रहा है ना। अभी यहाँ पर अगर देखो, तुम भी सोचो कि ये क्या, ये सही आ रहा है, ये समझ में आएगा क्या? आप जब तक इसको प्रॉपर इसके अकॉर्डिंग टर्न करके नहीं लेके जाओगे तो बहुत बढ़िया नज़र नहीं आएगा। तो ये फ्लो होता है। अभी स्टूडेंट जब रिजेक्ट होते हैं ना, उनको ये नहीं पता कि किस वजह से रिजेक्ट हुए, उसका रीज़न ही है कि आप ने जब तक किसी को देखा नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो ये दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ तो ये बताई मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई ऐसे नॉन प्लानर फेसेस देखे यहाँ पे, और तुम्हें नॉन प्लानर भी बताओ यहाँ पे, कुछ चीज़ आपको ऐसे भी दिखने वाली है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को टर्न इधर उधर एजेस में मैनेज कर दूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिट रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फोर्स एडिट में देखो, दिख रहा है यहाँ पे फोर्स एडिट में ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैंने शायद अभी यहाँ पे किया सेलेक्ट दिस वन एंड देन दिस वन, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने चेक कर दिया, थैंक यू, दिखा क्या मॉडलिंग में क्या होता है, वो लोग मॉडल करते हैं, मॉडल में उन्हें ये नहीं पता कि नॉन प्लानर फेसेस होता है क्या, घींच देते हैं, किधर भी घींच देते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं होती। इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पे अप्लाई करके दूँ यहाँ पे, तो कहाँ गया मैं उस यहाँ पे, दिस वन नॉन प्लानर, ये यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्लीन अप, अगर अप्लाई करें यहाँ पे देखो, ये बीच में एक सेगमेंट आता है यहाँ पे, तब जाके ठीक होता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट है, कई लोगों को क्लीन अप ही नहीं पता, क्लीन अप में आप जा रहे हो, क्लीन अप आपको पता नहीं है भाई कौन के फेसेस क्या है, कॉन्वेक्स फेसेस क्या है, ठीक है, फेस विद होल क्या है, इन सब चीज़ को अगर आप समझोगे नहीं तब तक आपका काम नहीं होना क्या। तो ये क्लीन अप बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जब तक आप देखोगे तब तक आपको आएगा नहीं। देखो आप देखें यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कुछ किया था, साथ में इसको स्लैक करके कुछ मैंने स्टेप दे दिया यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा क्या। देखो यहाँ पे एडिट में गए, नॉन प्लानर किया, स्लैक करो दिस वन, राइट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मोड, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ठीक करने वाला पार्ट है यहाँ पे, तभी मैं समझा कि देखो इन चीज़ को मैं समझता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या, इस पर मैंने काम किया, ये पार्ट में यहाँ पर है। गेमिंग में कहीं आपको मॉडल ऐसे भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ऐसे ट्रैंगुलेट करके वो क्या करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये चीज़ों को अलग वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक मॉडल और भी दिखाता हूँ क्या, जिस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। देखो ये भी मॉडल है क्या। अभी देखो हम लोग ने जीवस में से काम कर रखा है, तो कई जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कई लोग इसको भी ना अनरैप करके रख देते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेलिंग वैसे चाहिए तो ये मैच भी काम करेगा, क्योंकि प्रॉप्स में तो काम कर जाएगा। कई जगह यहाँ पे रीटोपोलॉजी की डिमांड होती है, तो यहाँ पे देखो मैच आपका ऐसा भी मांगते हैं। अभी दोनों मैच में डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को। अभी दोनों मैच में अगर आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ देखो तो आइडिया मिलेगा। ये रीटोपोलॉजी में है, रीटोपोलॉजी में काम किया, ठीक है। इसका मैच कैसा है, इसका मैच कैसा है,
तो कई लोग इस पर भी काम करते हैं। मैं इसके भी आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी यूवी का दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, उसी में इसको मैंने अंदाप किया। तो ये भी प्रोसेस होता है क्या जीवस में, अगर आप काम कर रहे हो और जीवस में अगर आपको काम करना है तो आप इसको भी अंदाप करोगे, लेकिन तरीके और मेथड को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या करना। जब मेरे पास देखो मैथ्स बहुत बढ़िया नहीं है, इसको मैं अंदाप करके ऐसे भी अरेंज करके डाल दूंगा कि इसमें मैं बहुत अच्छा चीज़ों को मैनेज नहीं करूँगा, प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं करने वाला, ठीक है, ये चीज़ मैं ऐसे भी करके काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, अभी यही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे यहाँ पर चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास लेआउटिंग का भी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, स्विफ्ट लेआउट, लेआउट करने यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, साइज होता है क्या, साइज कितना रखना होगा, यहाँ पे पैक साइज कितना रखने वाला, ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर दोगे, ठीक है, टेक्सचर साइज कितना रखने वाला, टेक्सचर साइज आप यहाँ पे रखना पड़ता है। कई लोग उस चीज़ को यूज़ भी नहीं करते, यहाँ छोड़ दे जितना है उतने से काम, यहाँ पे आपको टेक्सचर साइज देना होता है। ठीक है, टाइलिंग है, टाइलिंग UNV वाला पार्ट है, इसमें आगे चल के आपका हाई डिटेल एक और लेवल भी आता है, मल्टी UVs भी होते हैं, मल्टी टाइलिंग UVs का, इसमें नीट के अकॉर्डिंग काम भी होता है। देखो आपको इंस्ट्रक्शन में आपको दिखाता हूँ क्या, जो इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन में भी आपको चीज़ों को बताया गया, यहाँ पर UDIM, ठीक है, कई लोग सोचेंगे होता क्या, दिखाता हूँ। मल्टी यूवीज का दूसरा नाम है क्या, ठीक है, मल्टी यूवीज अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, देख रहे हैं आप, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या, एन ऑटोमेटिक यूवी ऑफसेट सिस्टम, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या, असाइन एंड इनटू इमेज और स्पेसिफिक यूवी टैली, यूवी टैलिंग वाला पार्ट होता है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा आपको ये, इमेज से शायद आपको समझ में आए। अभी एक जो कैरेक्टर, एक जो ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे आपके यूवीस अलग अलग रखे जाते हैं, देखना है पे? एक कैरेक्टर का 1, 2, 3 यहाँ पे मल्टी यूवी लेआउट यूज किया गया, ऐसे ही काम किया जाता है कि आप अगर काम करते हो, ये देखो इतने सारे लेआउट यूज किया गया, आइडिया तो रहे होता क्या है, फिर बाद में कहो सर ये मल्टी व्यूज होता है क्या, कैसे क्या काम करते हैं। लेवल बढ़ाओगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी क्या, जब तक आप अपने लेवल को नहीं बढ़ाने वाला तो वो चीज़ बहुत बढ़िया नहीं पता चलेगी यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये भी पार्ट होता है क्या, अभी सामने वाला आपसे मांगे भाई मुझे हर एक का लेआउट अलग चाहिए, जितने बड़े लेआउट होते हैं उसमें डिटेलिंग और अच्छी होती है क्या, तो मूवीज में स्टूडियो में ज़्यादा इस टाइप से चीज़ों में भी काम कराते हैं कि आपको अगर इस टाइप से कुछ काम करना है तो आपको ये चीज़ आना चाहिए, पहले आपको लेआउट आना चाहिए, लेआउट आपने क्या किया, लेआउट आया तो फिर लेआउट से आप चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अभी देखो जैसे वापस आते हैं तुम्हारे फाइल में, ठीक है, ये देखा मैंने अंडू क्या है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल जो हम लोग क्लीनअप कर रहे थे, क्लीनअप हमें पता तो चल गया क्लीनअप है क्या, ठीक है, सेलेक्ट पे गए एंड देन यहाँ पे गए, ठीक है, फोर साइड पे गए, ये मेरे पास पार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक, ये साइड का रखा यहाँ पे, एजेस को मैंने यहाँ पे क्या कर सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ठीक हो गया। ये दो पार्ट हैं जो आपके जीबीएस में दिक्कत करने वाले हैं, कभी भी ऐसा शेप को आपको स्टेप से नहीं, आपको क्वाड्री बना के लेके जाना होता है, अगर आपको पता है कि भाई ट्रायंगल लेके नहीं जाते तो, क्योंकि बाद में दिक्कत करने वाला है, आप चाहो तो इसे स्मूथ लगा के भी देखो तो भी आइडिया मिल जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, ये देखिए क्या है, ये सबसे बड़ी गलती होती है, मेन चीज़ क्या, अगर आपने कनेक्टिविटी नहीं दी तो गलत है, ये देखिए कैसे गलत होगा, दिखाता हूँ, स्विफ्ट एंड स्मूथ, बात समझ आ रहा है, इसकी यूवी पे क्या फर्क पड़ता है, यूवी देखो आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा इस ले रहा हूँ, देखो अगर आपको समझना है सीखना है तो आपको मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ें बताई, यहाँ पे इन चीज़ को तो सब फॉलो करना स्टार्ट करो क्या, मैंने यहाँ पे गन अनरैपिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे गन अनरैपिंग में मैंने बहुत हाई डिटेल चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है, स्टूडियो लेवल का काम यहाँ पे भाई ये है, इसमें ऐसे नहीं 6 पार्ट बन रहे हैं, इसके 6 पार्ट में हर एक पार्ट में आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ कि क्यों और किस लिए करते हैं। आप अगर यूवी में सेगमेंट देते हो तो कब दे सकते हो, यूवी के अंदर अगर आपने डिटेलिंग देखना है, ठीक है, तो कब कब सपोर्टिंग दे सकते हो, कब आप सपोर्टिंग नहीं दे सकते, ठीक है, आपको मॉडल कैसा होना चाहिए, मॉडल अनरैप करने के बाद कब आप हाई पॉली बना सकते हो, ये हाई पॉली मॉडल को कैसे अनरैप कर सकते हो, पूरा प्रोसेस इसमें मैंने डाल रखा है, इसी वजह से कि ताकि आपको आइडिया मिले, एक ही चीज़ को करने के 10 ऑप्शन मैंने बता रखे हैं ताकि वो थोड़ा सा बेटर दिखे। अभी देखो यहाँ पर आपने क्या, ये पहला सा पार्ट, दूसरा पार्ट देखो यहाँ पर जब फोकस करके जाता हूँ, कौन सा पार्ट है यहाँ पर फोकस, यही है, ठीक है, लाइक दिस वन मैंने स्मूथ कर दिया। ठीक है, अभी स्मूथ में जब मैं काम करता हूँ, स्मूथ में देखो स्मूथ में होता है क्या, यहाँ पे जब चीज़ों को देखो इसका स्मूथ लेवल, अब जीवस में लेके जाओगे तो आपका वहाँ पे लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा ना, यहाँ पे यूज पे ध्यान देना, यूज पे कैसा क्या काम होना है। ठीक है, ये आपका कुछ चीज़ें हल्का सा सिंक
एक्सपीरियंस टेस्ट होगा आप वहाँ पे, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कैसे आपको क्या काम करना है। देखिए यहाँ पे तब चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे वो थोड़ा सा आपको लेके चलना है। आफ्टर देन यहाँ देखो ये सब क्या आता है, जैसे होल ऑफ फेसेस बोलता है, जैसे कह लो यहाँ पे छोड़ कर डिलीट कर देता हूँ, ये भी दिक्कत करता है। दूसरा बट ऐसे फेसेस भी दिक्कत करते हैं, ठीक है, टी फेसेस होते हैं वो सब भी दिक्कत करते हैं, ठीक है। आप कभी भी ऐसा लगे आप यहाँ पे देखोगे ना, आप यहाँ पे एन एन साइड फेसेस माया सर्च करो आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो ये सब देखो यहाँ पे कई चीज़ दे रखा है, नॉन प्लानर दे रखा है यहाँ पे, फेस विद होल दे रखा है, ठीक है, फेस विद मोर देन फोर साइडेड, ठीक है, कौन के फेसेस कैसा है, ठीक है, फोर साइडेड फेसेस कैसा है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब तक आप इन सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि भाई एन साइडेड क्या है, फेस विद होल क्या है, ठीक है, तो आपको आइडिया नहीं मिलने वाला कैसे क्या काम करने वाला। तो एक चीज़ को आपको फुलफिल करना है तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद अभी आपने यहाँ पे काम किया, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा ऑल्ट भी, पहली चीज़ कोशिश करो जब मैं लेआउट करता हूँ, लेआउट करने में मेरे पास चीज़ें कैसे होती हैं, लेआउटिंग पे गए, लेआउटिंग में जाने के बाद मैं पे एडिट रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइज, ठीक है, रेजोल्यूशन, यहाँ पे साइज कितना दे रहे हो, ऑब्जेक्ट बड़ा है 2K आप रखो कम से कम, ठीक है, हुआ कुछ क्या, ध्यान से देखो पहले कैसा था और अब कैसा है, पहले वाला बैलेंस था या अब वाला बैलेंस है, ध्यान से देखो इतना खाली स्पेस है, अभी खाली स्पेस दिख रहे हैं, जहाँ पे नीडिट है यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकते वहीं तक खाली है। तो सबसे पहले आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपका जो लेआउट हो फुलफिल हो कवर्ड हो, प्रोफेशनल लगे कि हाँ बंदे ने काम किया, तो थोड़ा सा इस टाइप से चीज़ों को मैनेज करके रखा जा सकता है यहाँ पे, तब जाके आप थोड़ा सा काम कर पाओगे कि आपका यू वीस ऐसा है, चीज ऐसे में इनके अंदर भी स्पेसिंग का पार्ट होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चीक ऐसी है, सेल पैडिंग है, ठीक है, यहाँ पे टाइलिंग दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे एक दूसरे पे ओवरलैप है, वो भी आपको ध्यान देना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे, ठीक है, पैकेज रिजर्वेशन 2048 ही रख के यहाँ पे देखें, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकूँ, ये मैं बस एक पार्ट यहाँ पे देखिएगा कि भाई मैं पे टाइलिंग में किस टाइप से कर सकता हूँ, ठीक है, फुल स्क्वायर करना है, यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें ऑप्शन है, आप इन सब चीज़ को थोड़ा सा कभी ट्राई करोगे, देखो लेफ्ट में किया तो लेफ्ट में कैसे देखना है, यहाँ पे यहाँ तक भी डील कर देंगे, देखो यहाँ पे देखें यहाँ पे, अभी मेरे को मल्टी लेआउट करना, तो ये सब करने के बाद मैं एक लेफ्ट करते हैं यहाँ पे, देखो पूरे में एक लेफ्ट में ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखो यहाँ पे फुल करोगे तो फुल आएगा, बॉटम लेफ्ट करोगे बॉटम लेफ्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बच्चों को तो मैनेज करते हैं, देखो आप ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप यहाँ पे मैनेज नहीं कर रहे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, एक्सरसाइज में आप यहाँ पे कर दिया है, फुल में कर दिया, ये सब चीज़ आपको दोस्तों, ठीक है, यहाँ देखें यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म करना है तो नॉन यूनिफॉर्म करके देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो स्टेप से काम कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म में करना चाहते हो यूनिफॉर्म में काम कर सकते हो आप यहाँ पे, तो लेआउटिंग आपको कुछ ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा बेटर दिखे। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे देखो यूवी टाइल है 1 एंड 2, यहाँ पे 2 टैप 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टी लेआउटिंग में आ गया यहाँ पे, तो 2x2 में अपने पर रेंज हो गया, आपको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, ये मल्टी लेआउट जो भी आप बता था UDMA वाला, ठीक है, जो टेस्ट में दे रखा है यहाँ पे UDIM है ना, UDIM में ये पार्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपने यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, आपको 2 में लेके जाना है, आपको यहाँ पे 4 करना तो 4 भी कर सकते हो, आप यहाँ पे 4x4 यहाँ देखो 4 अपने आप अरेंज करके दे देगा आपको यहाँ पे, अगर आपको चीज़ को मैनेज करना है बाय डिफॉल्ट आपको 1x1 रखना होता है जब आपसे बोलता है, तो अपना अरेंज करके आप मैनेज करके देगा भाई, अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो कैसे क्या काम कर सकते हो, तो स्टूडियो के टेस्ट में क्या चीज़ है, इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी देखो यहाँ पे, ठीक है, मॉडल शुड बी स्मूटेबल वो काम होना चाहिए, ठीक है, सब डिवाइडेड द मॉडल, ठीक है, फॉर द जीबस स्कल्पिंग, ठीक है, फॉर्म्स पे ध्यान देना है, ठीक है, डैमेजेस एंड डिटेल पे ध्यान देना है, ठीक है, लेयर प्रिजर्व करके रखना है, लेयर कैसे रखने वाले हो, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझ कर चलना है कि भाई मैं मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, रेंडर किस में देना है, A to Z आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देगा यहाँ पे, और हर चीज़ के अंदर नेमिंग का अलग पार्ट देगा यहाँ पे, ठीक है, फाइल किस किस से चाहिए, माया का, जीबस का, क्या क्या चीज़ है, वो सब कुछ मैंशन करके देगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है,
यहाँ पे आपको जो फोल्डर जो ड्राइव में दोगे वो करना है, आप यहाँ पे मेंशन करेगा डोंट सेट अ पासवर्ड, मत सेट करना, ठीक है। डेडलाइन कितना, 2 दिन में, 2 दिन में आपका काम खत्म होना चाहिए, तो जाके आप कोई काम करने वाले हो। हर चीज का एक डेडलाइन होता है। अभी इन सब चीजों को अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे कि किस टाइप से काम करते हैं, ठीक है। तो अभी पहले की लाउटिंग, आपकी लाउटिंग में डिफरेंस पता चला, कैसे क्या काम करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है, स्टूडियो का टेस्ट पता चला, और क्या क्या चीज़ हमें फॉलो करना चाहिए उसका भी हमें आइडिया मिला गया, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा जाने को तो आपके लिए अच्छा होगा।